यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में जिसमें आपको हमेशा गिरावट में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, हम जो भी स्टॉक यहाँ बात करते हैं वो लॉन्ग टर्म पर्पस के बात करते हैं, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा ये स्टॉक। तो देखिए, ये स्टॉक जो है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर आपको बताएंगे किस लेवल पे आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे पहले हम इसके जो एनालिसिस है उसमें प्रोज और कॉन्स की बात करें। कंपनी रिड्यूस किया है अपने डेट को और कंपनी जो अच्छा खासा डिविडेंड पे कर रहा है 9.58%। कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है 77.5% का CAGR है लास्ट 5 इयर्स में। डिविडेंड पे आउट भी अच्छा है 56% का। कंपनी के अगर निगेटिव बात करें कॉन्स की बात करें तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है मात्र 8.96% है और जो टैक्स रेट है काफी स्लो है और कंपनी जो है लो रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है 12.7% का पिछले 3 साल में। तो इस तरह का कुछ बातें रहा है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट के उसकी बात करें तो कंपनी का 2010 में जो सेल्स रहा है 1218 करोड़ का और यहां से कंपनी का सेल्स लगातार इम्प्रूव हुआ और कंपनी का 2021 में जो टोटल सेल्स हो चुका है 4918 करोड़ का। तो कंपनी का जबरदस्त यहाँ सेल्स में इम्प्रूव हुआ है, लगभग 4 times से ज़्यादा का है। और कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट की बात करें 94 करोड़ का था 2010 में, वहां से लगातार इंक्रीज होते होते यहां 512 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो चुका है। बीच में कंपनी एक बार लॉस भी दिखाया था 2014 में, तो 2014 देख सकते हैं यहां कंपनी थोड़ा सा लॉस भी दिखाया था लेकिन उसके बाद अच्छा खासा रिकवरी दिखाया और कंपनी अपना जो प्रॉफिट है वो अपने ऑल टाइम हाई पेस किया है 512 करोड़ का नेट एनुअल प्रॉफिट। उसके बाद बात करते हैं बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल जो कंपनी के पास वो 32 करोड़ का है। रिजर्व सरप्लस की बात करें 321 करोड़ का है जो कि लगातार इंप्रूव हुआ है, 2010 में था 646 करोड़ का। और वही बात करें कंपनी का जो कैश फ्लो है, कैश फ्लो में जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो है वो अच्छा खासा है कंपनी का 1102 करोड़ का और ये लगातार इंप्रूव हुआ है। नेट क्रॉस फ्लो की बात करें तो वो भी लगभग पॉजिटिव रहा है हमेशा के लिए। उसके बाद डिफरेंट रेशियोज की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27%, देखिए लगातार इंप्रूव किया है कंपनी ने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को। डेबिटर्स डेज की बात करें 50 है, ये भी काफ़ी इंप्रूव हुआ है। इन्वेंट्री टर्नओवर की बात करें 3.64 है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर भी काफ़ी बेहतरीन है कंपनी का। आप इन्वेस्टर सेक्शन में जाते हैं तो इन्वेस्टर सेक्शन में यहाँ प्रमोटर्स के पास जो स्टेक है वो 50.97 का है, तो अच्छा खासा स्टेक है प्रमोटर का और लगभग कॉन्स्टेंट है। थोड़ा सा यहाँ प्रमोटर का स्टेक 2020 में बढ़ाया भी है। और वहीं FIs की बात करें तो 7.71 का है, FIs भी इसमें स्टेक बढ़ाया है। DIs का बात करें तो 5.89% का है, DIs का स्टेक भी अच्छा खासा है। पब्लिक का स्टेक भी काफ़ी बेहतरीन है, 35% का पब्लिक का स्टेक है। इसमें से तो कई सारे जो बड़े बड़े यहां पर देखते हैं इन्वेस्टर है उन्हीं का स्टेक काफ़ी ज़्यादा है। अब बात करें कंपनी के जो कंपनी है ये है पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इस कंपनी का मार्केट कैप है 4800 करोड़ का। अब तो ये कहिए स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन दोस्तों ये सेक्टर भी उतना ही छोटा है, ये उतना बड़ा सेक्टर नहीं जैसे हमारा FMCG हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया जहाँ सारे ब्लू चिप स्टॉक्स हैं। तो ये सेक्टर भी थोड़ा छोटा है लेकिन स्टॉक जो है काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और इस सेक्टर के लगभग ये लीडर स्टॉक है और 4800 करोड़ मार्केट कैप है। साथ ही साथ करेंट प्राइस है 1535 रुपीज़ का और ये अपने 52 वीक हाई साथ ही साथ ऑल टाइम हाई पे है। तो जब भी मार्केट करेक्ट करता है तो मार्केट के करेक्शन पे ही आपको बाय करना है। डिविडेंड यील्ड तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ दिखा रहा है, ये अचानक डिविडेंड में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी यहाँ देखने मिला है लेकिन इतना ज़्यादा डिविडेंड यील्ड कंपनी नहीं देती है, इस साल काफ़ी ज़्यादा दिया है। उसके बाद रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड तो आपने देख ही लिया 26.8, रिटर्न इक्विटी 16.8, प्रमोटर्स होल्डिंग 51, तो सारे चीज़ें आपने देख लिया। डेट टू इक्विटी की बात करें 0.20 का डेट टू इक्विटी है, काफ़ी कम डेट टू इक्विटी है, मात्र 595 करोड़ का डेट है और नेट प्रॉफिट 512 करोड़ का है। रिजर्व भी अच्छा खासा है 3000 करोड़ का, तो हर पैरामीटर्स पे ये कंपनी काफ़ी सॉलिड है और आने वाले समय में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न अपने इन्वेस्टर को देगी। बात करें कंपनी के बिजनेस का तो देखिए कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी शानदार है। यहाँ पर आप polyplex.com पर आकर के कंपनी के बिजनेस को देख सकते हैं। यहाँ पर आते हैं हम प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में कुल 4 कैटेगरी है कंपनी के पास और कंपनी का अगर ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो वो भी काफ़ी बेहतरीन है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे नो मोर पर तो आप इस
कैटेगरी में जो भी प्रोडक्ट है आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो छोटे छोटे चॉकलेट है ये कंपनी पैकेजिंग का काम करती है। यहाँ पर जो देखिए सोलर प्लेट है इस पर जो ऊपर से यहाँ पैक ऊपर से जो मतलब ये इस पर पॉलीथीन चढ़ाई जाती है वो कंपनी यहाँ पर फिल्म चढ़ाने का काम करती है। तो ये सारे कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरे कैटेगरी पे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें ये कंपनी बनाती है। फिर यहाँ पर तीसरा जो प्रोडक्ट का बनाती है उस पर क्लिक करेंगे तो तीसरा चीज़ यहाँ पर दिख जाएगा आपको। यहाँ देखिए ये जो आप फोटो फ्रेम के लिए यूज करते हैं, फोटोशॉप के लिए यूज करते हैं, तो सारी फिल्म ये कंपनी बनाती है। तो इस तरह से कंपनी काफ़ी बेहतरीन बिजनेस कर रही है। साथ ही साथ कंपनी का जो बिजनेस है वो ग्लोबली डाइवर्सिफाई है। देखिए ग्लोबल में तो यूएसए में बिजनेस है, मैक्सिको में है, नीदरलैंड, टर्की, इंडिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, कोरिया, जापान, इस तरह से ग्लोबली डाइवर्सिफाइड है कंपनी का बिजनेस। तो ये तो कंपनी का जो फंडामेंटल्स है और बिजनेस हो गया। अब कंपनी के चार्ट पे चलते हैं। देखिए कंपनी का जो चार्ट है वो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए बहुत सारे पीएसयू स्टॉक है वो भी काफ़ी ज़्यादा मोनोपोली बिजनेस रखता है, लेकिन जो चार्ट देखिएगा वो परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। जब चार्ट पे परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उस स्टॉक में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम पिछले देखिए 20 सालों का चार्ट देखें तो 2001-2003 में यहाँ पर कंपनी का जो शेयर प्राइस था लगभग 5 रुपीज़ के आसपास था। वहाँ से कंपनी मोमेंटम करता है और ये मोमेंटम आता है 2003 से और ये कंपनी अपना हाई बनाती है। देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 145 का, तो यहाँ पर 148 इसके आसपास का हाई बनाता है। तो वहाँ से काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया था वहाँ पर 5-6 रुपीज़ पर। फिर गिरावट होती है और गिरावट के बाद ये स्टॉक आ जाता है यहाँ पर 45 रुपीज़ पर। 45 रुपीज़ से फिर स्टॉक में मोमेंटम आता है और ये स्टॉक अपना हाई बनाता है 485 का, 485। और वहाँ से देखिए कितना ज़बरदस्त गिरावट होता है, मात्र 110 रुपीज़ पर ये स्टॉक आ जाता है। 110 रुपीज़ से फिर से ये मोमेंटम पकड़ता और ये स्टॉक अपना हाई बनाता 666 रुपीज़ का, और 666 रुपीज़ से फिर से गिरावट आता है और ये स्टॉक अपना लो बनाता है 295 रुपीज़ का। 295 रुपीज़ का लो बनाने के बाद फिर से इस स्टॉक में मोमेंटम आता है और ये स्टॉक अपना हाई बनाता है 1535 रुपीज़ का, और ये इसका ऑल टाइम हाई है। अभी शेयर प्राइस यही अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो कुछ इस तरह से शेयर प्राइस का मूवमेंट रहा है इस स्टॉक का। तो इस स्टॉक को कब बाय करना है, जब गिरावट होता है। तो देखिए गिरावट कितना होगा ये तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम अगर हम बात करें तो इसमें जो गिरावट हो सकती है और मैक्सिमम गिरावट, तो वो इसको 850 रुपीज़ तक ला सकता है। मतलब इसमें लगभग जो 40% तक का करेक्शन हो सकता है, वो तब होगा जब मार्केट में करेक्शन हो, और ये करेक्शन तुरंत होने वाला नहीं है, साल दो साल भी लग सकता है। अगर कंपनी का थोड़ा भी प्रॉफिट या सेल्स में थोड़ा सा भी मतलब कमी देखने मिलता है तो आपको ये करेक्शन देखने मिलेगा। अदरवाइज यहाँ से स्टॉक हो सकता है रैली करता रह जाए, लेकिन थोड़ा बहुत तो यहाँ पर गिरावट तो जरूर देखने मिलेगा। तो आप गिरावट में इन्वेस्ट कीजिए, कभी अपने यहाँ ऑल टाइम हाई पे इन्वेस्ट कीजिएगा तो फिर दिक्कत है। देखिए ये स्टॉक जो मैं बता रहा हूँ अगले 10-20 सालों के लिए बता रहा हूँ, आप 5-10 साल के इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन गिरावट में इन्वेस्ट करना है। अदरवाइज आपको यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में हैवी लॉस देखने मिल सकता है। देखिए लॉन्ग टर्म में तो प्रॉफिट ही होना है, लेकिन अभी आप ऑल टाइम हाई पे इन्वेस्ट करेंगे तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा पैनिक अपने पोर्टफोलियो को देखने में मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे है। अगर यहाँ से करेक्शन दिखाता है, ये हो सकता है ये ऊपर भी चला जाए, हो सकता है ये करेक्शन भी दिखाए, तो करेक्शन पे आप जब बाय करेंगे तो काफ़ी बेहतर है। देखिए ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में भी नहीं है, मैं भी इस स्टॉक में इन्वेस्ट करूँगा। जो भी स्टॉक मैं आपको बताता हूँ उसमें मेरा खुद का भी इन्वेस्टमेंट आता है, किसी में मैं इन्वेस्ट कर चुका हूँ, किसी में मैं भी इन्वेस्ट करने वाला हूँ, तो इसमें मैं भी इन्वेस्ट करूँगा। लेकिन कब, इसका शेयर प्राइस जब नीचे आएगा, अगर यहीं से ऊपर चला जाता है तो मैं फिर इन्वेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन ये अगले 10 सालों के लिए काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी आप ज़रूर फॉलो कीजिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक और शेयर करना है। जब पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेना है इसी तरह के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए।